Hello student, now today I am going to perform an activity. That activity is to verify the algebraic identity a plus b multiply by a minus b equal to a square minus b square. So हमें इस activity में क्या verify करना है? थर्ड आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसके लिए हमें प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट, सेकेंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ठीक है, एंड फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर सम मटेरियल्स. So materials are one glaze paper of any color, glue, scissor, pen, some geometry box material and any two colors sketch. ठीक है, हमें two sketch colors चाहिए. So चलिए हम start करते हैं अपना procedure. So our first step is draw a rectangle ABCD of length 10 cm, let A equal to 6 cm and B equal to 4 cm so that A plus B equal to 10 cm and breadth is of 6 cm. So हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ABCD जिसकी लेंथ क्या हो, A plus B means 6 plus 4 that is equal to 10 cm और ब्रेथ क्या हो 6 cm. So चलिए हम ड्रॉ करते हैं. So सबसे पहले हम सेट स्क्वायर लेंगे. So हम पेन से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. So हमें लेंथ चाहिए 10 cm. So इसमें 7 तक है, हम स्केल यूज करके इसको 10 कर लेते हैं. सो ये 10 सेंटीमीटर हो गया है. उसके बाद हम सेट स्क्वायर को सेट करेंगे लाइन टू लाइन पे और हमें ब्रेथ कितनी चाहिए 6 सेंटीमीटर. ठीक, अब हम फिर सेट स्क्वायर को लाइन पे सेट करेंगे, फिर हमें लेंथ चाहिए 10 सेंटीमीटर. है नहीं इसमें, सो हम स्केल की हेल्प से 10 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ कर लेंगे. ठीक, उसके बाद हम सेट स्क्वायर से लाइन को लाइन पे सेट करेंगे और ये देखिए 6 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक वहां पे बन जाएगा. ठीक, सो हम इसे मार्क करेंगे ए बी सी एंड डी. ठीक है, और जो ये लेंथ होगी ये कितनी होगी, ए प्लस बी. ठीक है, और ब्रेथ कितनी होगी, ए मीन्स 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप. अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, दैट इज टेक ए पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट ए पी इक्वल टू ए और पी बी इक्वल टू बी. मीन्स हमें यहाँ पे ए बी पे एक पॉइंट लेना है पी, ऐसे लेना है कि जो ए पी की लेंथ हो वो ए हो और जो पी बी की लेंथ हो वो बी हो. तो आपको पता ही है कि ए की लेंथ कितनी थी टोटल 6 सेंटीमीटर. सो अगर हम यहाँ पे पी लेंगे तो ये हो जाएगा ए मीन्स 6 सेंटीमीटर और रिमेनिंग क्या हो जाएगा बी मीन्स 4 सेंटीमीटर. सो ये हो गया पॉइंट पी. ठीक है, ये हो गई लेंथ ए और ये लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक बी. ठीक है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज टेक ए पॉइंट क्यू ऑन बी सी सच दैट
बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी और क्यू सी इक्वल टू बी। सो देखिए यहाँ पे हमें Q एक पॉइंट लेना है, ऐसे लेना है जो QC की लेंथ हो वो B हो। सो ऑब्वियस सी बात है QC कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि B की लेंथ जो थी वो 4 थी, तो हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे लेना है Q। सो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये हो गया B, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा QB, दैट इज टोटल A है, उसमें से B पार्ट हम हटा दें तो बचेगा क्या यहाँ पे ए माइनस बी, से ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप इज दैट फोल्ड द पेपर टू ड्रॉ ए क्रीज ऑफ सच दैट पी आर पैरेलल टू बी सी। सो यहाँ पे हमें पी के थ्रू एक फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है कि बी सी के पहले पी आर पैरेलल लाइन हो जाए, फिर हमें एक और क्रीज वहाँ पे बनानी है, ऐसे बनानी है कि QS के पैरेलल CD हो जाए। सो चलिए हम फोल्ड करते हैं। सो P के थ्रू एक फोल्ड करना है, ठीक है, और एक हमें Q के थ्रू फोल्ड करना है। देखिए ये फोल्ड होकर ड्रॉ हो गया है, ठीक है। सो चलिए इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, और इस साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हो गया P, ये हो गया R, और ये Q है तो इस साइड हो गया S। तो देखिए यहाँ पे PR किसके पैरेलल हो गया है, BC के, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और QS किसके पैरेलल हो गया है, CD के। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे इतना पार्ट। सो हम इसको सेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम इसको सेट कर दिए हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम सेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देखिए अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें जिसे हमने पर्पल कलर से सेट किया है, सो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ठीक है, और उसका रेक्टेंगल का एरिया को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सो देखिए अगर ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसमें से रेड वाले सेडेड पार्ट के दोनों एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो ये पार्ट हमारा बच जाएगा। सो वहाँ से हम कंपेयर करके अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करेंगे। सो चलिए हम देखते हैं कैलकुलेशन। उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक्टिविटी लिखनी कैसे है। सबसे पहले एक्टिविटी लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, प्रीवियस नॉलेज लिखिएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखिएगा, उसके बाद जो आपका प्रोसीजर में फोर स्टेप्स हैं वो लिख के तब आप इसे ड्रॉ करके सेट करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हम कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन इज
तो देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। सो हमें क्या प्रूफ करना है, दैट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी क्यू एस फाइंड करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ क्या है ए प्लस बी और ब्रेथ क्या है ए माइनस बी। सो रेक्टेंगल का एरिया हो गया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ठीक है। और देखिए एक तरीका और है इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का, क्या करते हैं हम, अगर जो बिग रेक्टेंगल है ए बी सी डी उसमें से अगर ये पार्ट दोनों हम माइनस कर दें तो ये पार्ट रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल ए बी सी डी में से ये पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस टी आर डी और ये पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर टी क्यू सी आर अगर हम माइनस कर दें सो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी क्यू एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस टी आर डी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर टी क्यू सी आर, ठीक है। सो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है ए प्लस बी, ब्रेथ क्या है ए। सो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस टी आर डी है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस टी आर डी क्या होगा, सो लेंथ हो गया ए, ब्रेथ हो गया बी। सो हो गया यहाँ पे ए इंटू बी। फिर है एरिया ऑफ स्क्वायर टी क्यू सी आर, तो ये है, सो देखिए इसकी साइड बी है और इस साइड भी क्या है बी है, इसलिए स्क्वायर है। सो एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, बी इंटू बी, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सो ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, नेक्स्ट हो गया माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी दैट इज माइनस बी स्क्वायर। सो देखिए दोनों लाइक टर्म है सो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। सो रिमेनिंग क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट वाले से हमें मिला था ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, सेकेंड केस से हमें क्या मिला, एरिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगल ए बी क्यू एस का एरिया ही, ठीक है। इट मीन ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। सो हम रास में लिख सकते हैं दस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो द रिजल्ट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।